So hi guys, welcome to another vlog. Hope you guys are doing great, good. So as you guys can see today, I'm in the orchard. वापस से भले ही आजकल कोई काम नहीं, बट आई वॉज गेटिंग सो बोर एट द होम. आजकल ऐसे भी कुछ नहीं है तो बोर होना तो ऑब्वियसली सी बात है, बनता ही है. और हमको आदत बिल्कुल नहीं है ऐसे फ्री रहने की, बिल्कुल भी आदत नहीं है. फ्रॉम द स्टार्टिंग को खुद लगता है कि मैं खाली फील कर रहा हूँ तो मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर. सो मैं सोचा एक चक्कर मार के आता हूँ बगीचे का. ऐसा कुछ नहीं है करने को, बट घर से बेटर है कि कहीं निकलूँ. सो मैं निकलता हूँ, कभी बगीचे देखते हैं थोड़े बहुत, हम देख लेंगे कि कहाँ कौन से पेड़ को क्या ज़रूरत है, या फिर कहाँ गड्ढे होंगे, या फिर कहाँ कीड़े लगे हुए, या कुछ ना कुछ होता ही है बगीचे में ना. सो आई वॉज जस्ट इन्वेस्टिगेटिंग द थिंग. सो मैं भी निकल गया. मैं कहा चल ठीक है, 2:30 बजे लंच करने के बाद आई मूव टू द हेयर. अकेले हूँ इस पूरे घने जंगल में, बोले काफ़ी अजीब भी लग रहा है. डर नहीं कह सकते, अजीब अजीब सा, बिकॉज खाली खाली सभी, कोई भी नहीं आस पास. नॉट डर, इसको डर नहीं कहते बाय द वे, बट लेट इट बी, लेट मी शो यू कि कहाँ क्या होता है और क्या ज़रूरत है. अभी वैसे भी कैनोपी सेट करने का माहौल है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक स्टडी एज अ होल ले लूँ, ऐसे जस्ट मोटी मोटी कि व्हाट टू डू इन द विंटर कमिंग, जो कमिंग मंथ है, या फिर इसमें जो अभी कैनोपी सेट होती है इन द बगीचों में, वो ट्राई टू बी मेनटेन दैट पर्टिकुलर थिंग, और दैट हैज़ टू बी फिगर आउट ना. सो अभी टाइम से हो जाए तो बेटर है. लेट मी शो यू. ओहो, हमने यहाँ पे डीजल कर दिया तो हमारे पेड़ थोड़े से कलरिश लग रहे हैं, ब्लैक ब्लैक से ऐसा लग रहा है. और इस बार हमारे जितने भी 2-2 साल के पॉल्टियाँ हो चुकी है, इस पर ग्राफ्टिंग के लिए भी तैयार है. और हर एक पौधे के बाद एक पाल्टी ज़रूर, ताकि इस पर हम इस बार कलम कर सकें 2 साल की अप्रॉक्स. तो और कहाँ कहाँ क्या ज़रूरत है, लेट मी शो यू. एज यू गाइस कैन सी, मैंने यहाँ पे मार्च नहीं फरवरी में अप्रोच ग्राफ्टिंग करी हुई थी. ओह माय गॉड, शायद टिक भी गई है. बाकी अब देखेंगे इसको निकाल के. मैंने यही इसकी ये वाली जो होती है वेजिटेटेड ग्रोथ को ही इसमें ट्रांसमिट किया हुआ था, अप्रोच किया हुआ था. सो मुझे नहीं पता कितनी चल रही है, कितनी चल रही है. ये अब मेरे पास निकालने के लिए मैं कुछ नहीं लाया, शर्ट जल्दी जल्दी निकल गया, तो ध्यान ही रख के फट्टू कैरी, कुछ ऐसे कैरी भी करनी होती है, हाथ से निकालो तो निकलेगी नहीं तो ख़राब हो जाएगी. मैं नहीं चाहता, हाँ फंस तो गई है शायद, अभी मेरे को निकालनी पड़ेगी. मैं आराम से निकालूँगा इसको. वो गाइस मैंने निकाल तो दी है 2 पेड़ों से, अब मुझे नहीं पता बैठ गई है या नहीं, बिकॉज बैठी हुई तो लग रही है. अभी धीरे धीरे अगर मोटी होएगी फ्रॉम हेयर देन रिलाइज के हाँ बैठ गई है. बाकी गॉड नोस, मैं दूसरे पेड़ में दिखाता हूँ आपको. लेट मी शो यू हेयर, इधर भी कीवी थी मैंने, अब ये मैंने निकाल दी है. अभी ये देख सकते हो, अब ये भी बैठी हुई है कि नहीं है गॉड नोस, पर वो तो बैठी है, इस पर मेरे को डाउट है, बट वो बैठ चुकी है इतना को पता है. एक दो पेड़ और थे वो भी दिखाता हूँ. ये हमारे डैमेज पेड़ थे, ये भालू ने चले गए थे. ये देखो, इसमें भी मैंने की हुई है परफेक्टली. अब गॉड नोस कि ये बैठ गई है या नहीं, लेट मी फिगर आउट. ओह माय गॉड, यू गाइस कैन फील इट, कितनी परफेक्टली बैठी हुई है. ये मैंने मार्च की खुद से की हुई है, वीडियोज़ देख देख. और कितनी ये मेरे को परफेक्ट है, ये नहीं, ये सूखी भी नहीं और अंदर तक अच्छे से गई हुई, ये परफेक्ट आप फील कर सकते हो उसको. बस ये कटिंग करने को है थोड़ी सी, कितनी परफेक्टली बैठी हुई है. वाह, दिस इज़ अमेजिंग हार्ड वर्क पेज. इस तरह से आप अप्रोच ग्राफ्टिंग कर सकते हो इनकी, जो पेड़ पौधों के साथ ये सब वेजिटेटेड ग्रोथ लगी होती है, इसको आप किसी देश में ट्रांसमिट कर सकते हो अंदर को. सो ये आपको न्यू रूट्स देती है, बेटर ऑप्शन है, रूट्स मरेगी नहीं कभी. ये देखो कितनी परफेक्टली बैठी हुई है, वाह. और गाइस द पुअरेस्ट थिंग इसकी ये पेड़ फिर सूख, फिर क्या मतलब पहली बार इस साल ही को सूखने पे इतना अच्छा बन चुका था यार छोटू सा, और ये सूखने पे आ चुका है. आई डोंट नो व्हाई, जड़ सड़न होगी शायद, मुझे नहीं पता क्या हुआ इसको, जड़ सड़न में या पत्थर वाला एरिया ना, या थोड़ा सा यहाँ पे इसमें पेड़ टिकते नहीं है. हालाँकि सर दैट्स द रीज़न, इतना अच्छा पेड़ यार शिट ये भी गया, बट नो इश्यूज. बाकी तो सब सही चल रहा है. इस बार ये काफ़ी गड्ढे भी होएंगे इसमें बीच बीच में, एंड अगेन कल में होएगी इन द मंथ ऑफ द मार्च. जारी ढंग से पहले पहले हमको करनी पड़ेगी इसमें. सो गाइस वो हमारा फार्म हाउस है ऊपर, वहाँ से मैं चल के आ गया, शूट करना भूल गया, कभी और दिखाऊंगा. ओप्स मैन, ऐसे स्लिपरी स्लिपरी जगह पर स्लिप भी हो जाते कई बार. दिस इज़ द परफेक्ट क्वालिटी कलम के लिए, इतनी मोटी हो जाए तो इस पर अच्छे से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं सर. यहाँ से ओह माय गॉड, इसमें भी लगा हुआ है, ये ना बड़ा गंदा है, ये वुली एफिट फैल जाता है, यहाँ से ग्राफ्टिंग होगी साल इसमें. अभी तेज़ धूप भी, अब धूप जाने वाली है यहाँ से अप्रॉक्स, जैसी धूप जाएगी मैं भी चले जाऊँगा साथ साथ.
गाइस ये पेड़ तो गया गया, ये तो लास्ट ईयर ही चला गया था। ये पत्थर वाला एरिया है, तो इस वजह से यहाँ जाते ही काफ़ी पेड़ चला गया यहाँ से। ये वाला सेक्शन फिर अच्छा है, नमी सी भी है स्टार्टिंग। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ व्लॉग गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। आज कुछ कल भी मैं आपको जैसे मैं बताया था कि कुछ भी खास नहीं होता आजकल करने को, सो बोरिंग। जब कुछ होएगा तो डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बट मेरा कमिटमेंट है 100 व्लॉग का, वो तो होएगा होएगा पूरा, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। बाय बाय, टेक केयर।